आज 20 अक्टूबर को दुबक के हाई इलेक्शन के सिलसिले में जनाब बंडी संजय की हिदायत पर माइनॉरिटी मोर्चे से स्टेट स्पोक पर्सन मीर राशिद अली बाफरी, जनाब मीर हादी अली साहब सीनियर लीडर बीजेपी अबरार साहब और यूथ लीडर्स हमारे साथ हैदराबाद के निकल के आज सुबह 9 बजे नारसिंगी मंडल, चेकुंटा मंडल और उसके मुख्तलिफ के जो माइनॉरिटीज़ के एरिए हैं वहाँ पे हम लोगों ने डोर टू डोर कैंपेन किया और कैंपेन करके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पॉलिसीज़ के बारे में और माइनॉरिटी के स्टेटस के बारे में यहाँ की आवाम को बताया। और उसमें हम उनसे रिक्वेस्ट किए हैं कि अब के जो बाई इलेक्शन में बीजेपी से जो कैंडिडेट कॉन्टेस्ट कर रहे हैं डॉक्टर मिस्टर रघुनंदन राव साहब, वो पेशे से एडवोकेट हैं, पढ़े लिखे काबिल आदमी हैं और उनको वोट देकर दुबका के माइनॉरिटी मेजॉरिटी सब आवाम के लिए वो फ़ायदेमंद रहेंगे। और हमने आवाम से उनसे रिक्वेस्ट की है कि यहाँ पे इस बार जो 3 नवंबर को इलेक्शन होने वाला है बीजेपी के हक में वोट दीजिए और रघुनंद साहब को वोट देकर कामयाब बनाइए, जिसके अंदर अब जो हम आज वहाँ पे सर्वे किए हैं, आज जो इलेक्शन कैप्टन का डोर टू डोर गए हैं, वहाँ जो हालात देखे हैं, वहाँ की आवाम तो उनको बिल्कुल ज़ीरो लेवल ग्राउंड से जो है नकार रही है TRS को। और मेरी उम्मीद के मुताबिक जो साबिका MLA की वाइफ सुजाता कॉन्टेस्ट कर रही हैं यहाँ से, उनकी तो ज़मानत जब्त होने की भी मेरे को पूरे चांसेस हैं, यहाँ से ज़मानत भी उनकी बच नहीं पाएगी और इंशाल्लाह ताला रघुनंदन राव की शानदार कामयाबी होगी। क्योंकि जिस तरीके से इन्हों आवाम को साबिका जब से तेलंगाना बना है स्टेट, जब से मुसलमान को मुसलमान के साथ साथ तेलंगाना की पूरी आवाम को जिस तरीके से गुमराह कर रहे हैं, ऐसे कई मिसालें हैं। ताज़ी मिसाल ये है हैदराबाद के अंदर जो आज फ्लड सिचुएशन है, जिसके अंदर मैं समझता हूँ मोर देन 100 से ज़्यादा अमवात हो गए हैं और वहाँ पे किसी किस्म का एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। और हमने तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से रिक्वेस्ट किया है कि तेलंगाना चीफ मिनिस्टर के खिलाफ जो है इनकी जो है पूरी इंक्वायरी की जाए और इनके खिलाफ क्रिमिनल नेग्लिजेंसी के केसेस बुक किए जाएं और ग्रेटर हैदराबाद और चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के खिलाफ। इतनी इन लोगों की लापरवाही है जिसकी वजह से वहाँ पे 100 से ज़्यादा अमवात हुए और कई डेड बॉडीज तो जो है ट्रेस नहीं हुए वहाँ पे। ये इनका एडमिनिस्ट्रेशन है, टोटल फेलियर एडमिनिस्ट्रेशन है। और इन्होंने जो मैनिफेस्टो में जो बताए हैं उसके पर 2% भी अमल नहीं करे। अभी हम जो दुबक में गए थे वहाँ की आवाम तो इनको बोल रहे कि हम बताएंगे इनको 3 तारीख के दिन और जब रिजल्ट आएगा तो इसका आप जो है फीडबैक देख लेंगे कि दुबक की आवाम क्या चाह रही है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिस तरीके से हिंदुस्तान के तमाम स्टेट्स को माली इमदाद कर रही है जो आवाम तक पहुँचने की है, चाहे वो कोई भी माध्यम से हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट के माध्यम से हो, चाहे वो हेल्थ के माध्यम से हो, चाहे एजुकेशन के माध्यम से हो, ये लोग जो है पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का ले रहे हैं और नाम स्टेट गवर्नमेंट का। जैसे 2 बेडरूम फ्लैट्स में फंडिंग पूरे सेंट्रल गवर्नमेंट के है, ओपन स्कूल्स तेलंगाना के पूरी फंडिंग माइनॉरिटी मिनिस्ट्री की है, अब नाम अपना कर ले रहे हैं। और अभी तेलंगाना का जो हाल ये फ्लड्स के अंदर जो हालात हुए हैं, 5,000 करोड़ की जो है रिक्वेस्ट भेजे हैं प्राइम मिनिस्टर के पास कि हमको तेलंगाना में ये फ्लड्स आ गए हैं जिसकी वजह से हमको इसकी ज़रूरत है। अब 5,000 करोड़ मंग रहे हैं और दे रहे हैं कि आप 500 करोड़ रुपये पुराने शहर, ये तो इनकी हरदर्मी है और इनकी जो है बेखूब बनाने का सिस्टम देखिए। 5,000 करोड़ सेंट्रल से मंग रहे और दे रहे हैं कि आज स्टेट के अंदर जो आवाम जो जीरो लेवल पे ख़त्म हो गई है, जिसके पास अनाज तक नहीं है, खाना अगर दोपहर में पका तो शाम का खाना नहीं है उनके पास। आप रिलीफ दे रहे हैं तेलंगाना की आवाम को, जो अफेक्टेड लोग हैं, 5 किलो चावल 1 किलो आटा ये रिलीफ है। आप जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट से पूरी अप टू डेट फंडिंग आ रही है, मैं आपको बता सकता हूँ कि हर डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का तेलंगाना स्टेट को पूरी तरीके से जो है ताउन कर रहा है। क्योंकि यहाँ पे उनको आवाम को देखना है, पार्टी को देखना नहीं है। प्राइम मिनिस्टर का जो है नारा सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, तो उन्होंने ये नहीं देख रहे कि तेलंगाना में TRS की सरकार है, वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार है, बॉम्बे में शिवसेना की सरकार है। उनको पूरे हिंदुस्तान की आवाम को देखना है, पूरी हिंदुस्तान की आवाम को एक साथ देखने के लिए जो फंडिंग हो रही है, चूँकि तेलंगाना नया स्टेट है, इसको और स्पेशल पैकेज के तौर पे ज़्यादा से ज़्यादा कंसिडर करें तेलंगाना को आंध्रा को। और आंध्रा तो एक्सेप्ट कर रहा है कि हमको सेंट्रल गवर्नमेंट की फंडिंग आ रही है। अभी कोविड 19 में कई 100 गाड़ियाँ जो है
एम्बुलेंस लॉन्च करा, उन्हें बोला कि हमको सेंट्रल गवर्नमेंट से फंडिंग आई, इसके पर हम काम कर रहे हैं पूरी बार। बीजेपी का एजेंडा क्या है अभी बाद में? बीजेपी का एजेंडा ये है कि केसीआर की सरकार, केसीआर का एमएलए यहाँ हटना चाहिए, और हमारा जो है दुबक में इलेक्शन में जो हो रहा है टीआरएस वर्सेस बीजेपी नहीं है, चंद्रशेखर राव वर्सेस रघुनंदन राव इलेक्शन है यहाँ। जिस तरीके से कविता हारी थी निजामबाद में, उसी तरीके से यहाँ पर भी साबिक एमएलए की वाइफ सुजाता यहाँ पे हारेगी, रघुनंदन राव साहब अपनी भारी अक्सर से जीतेंगे, और आवाम के बीच में रह के हमको ये सिखाया गया है कि हम तानेशाही नहीं करना है, हमको नौकरशाही करना है, आवाम के बीच में रहना है, आवाम के लिए काम करना है, प्रगति भवन में बैठ के या फार्म हाउस में बैठ के हम काम नहीं करना है, हमको आवाम के बीच में जाना है। जैसा मेरी, मैं समझता हूँ एक साल के अंदर तीसरी विजिट है ये मेदक के अंदर, आवाम के वास्ते मेरे को विचार जा रहा है भाई माइनॉरिटी वोट है, आप जाइए या काम करिए, बोल हमारे बराबर। टीआरएस ये दावा कर रही है बीजेपी जमानत जब्त कर लेगी। मैं आपको 3 तारीख को रिजल्ट इलेक्शन है, 10 को शायद रिजल्ट है, मैं 10 के दिन शाम में आप लोगों को इंशाल्लाह कॉल करके मैं अपनी तरफ से बताऊंगा क्या है भाई।